जेंट्स पैंट कट पजामे की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 40 इंच, हिप 36 इंच, नी यानी घुटने 24 इंच, बॉटम 15 इंच। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग बनाने के लिए लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है, फुल लेंथ प्लस नेफा टर्निंग प्लस बॉटम टर्निंग। फुल लेंथ हमारी 40 इंच है, नेफा टर्निंग हम लास्टिक के अनुसार करते हैं, जितनी हमारी लास्टिक होती है हमने यहाँ पे 1.5 इंच किया, बॉटम टर्निंग हमने यहाँ पे 1.5 इंच किया, टोटल हमारा 43 इंच लेंथ निकल के आए। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे 43 इंच। यहां से यहां तक फुल लेंथ हमारी हुई 43 इंच। उसके बाद हम क्रोच एरिया निकालेंगे। क्रोच एरिया निकालने का जो फॉर्मेट है, हिप डिवाइड बाय 3, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंच हमारा आया। जो हमारी लेंथ है वहां से हमने 12 इंच डाउन आना है और ये निशान लगाना है। ऊपर वेस्ट पे भी हिप डिवाइड बाय 3, 12 इंच पे निशान लगाना है और इसको इससे इस तरीके से मिला देना है। क्रोच एरिया यहां पे निकालना है हमें और उसका निशान लगाना है। यहां से यहां तक हम आए 12 इंच। यहां से डाउन आए 12 इंच। ये डाउन आने के बाद हिप लाइन निकालनी है। हिप लाइन हमारी, हिप पे हमारा 36, हिप निकालने का जो फॉर्मेट है, हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच इज इक्वल टू 14 इंच। ये जो हमने निशान लगाया था ये हिप लाइन के लिए लगाया था, ये यहां से आगे आएंगे हम 14 इंच। हम आ गया है यहां से यहां तक हमारी 14 इंच हुई। अब मेन क्या करना है, हमें इसका सेंटर लेना है। हम पहले भी ले सकते हैं और ये निशान लगाने के बाद भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारी हिप लाइन है ये वाली, यहां से यहां तक इस लाइन का हमें हाफ करना है। हमारा 14 इंच है, 14 इंच का हाफ हमारा हुआ 7। तो यहां पे इसको आपने यहां से और यहां तक इस लाइन से इस लाइन तक आपने इसका सेंटर बनाना है। सेंटर बना के यहां से हमारा सेंटर आया 7 इंच। यहां पे 7 7 का मार्क करके हमने सेंटर लाइन लेनी है। यहां पे हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे, ये हम एक सेंटर लाइन शो करेंगे। पैंट कट पजामा, जब हम पैंट या पैंट कट पजामा किसी भी इस तरीके की गार्मेंट की ड्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसका हम ये सेंटर लेते हैं। पैंट कट पजामा में आप आधी ये लगा लो कि आप पैंट बनानी भी सीख जाते हैं। हिप लाइन का सेंटर लिया और ये हमने इसकी सेंटर रेखा ले ली। सेंटर रेखा लेने के बाद ये हमने लिया था हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2, 14 इंच। अब हमें आना है
16, हिप डिवाइड बाय 16 जो है हमारा बैक के लिए लेंगे। यहां से आगे जाना है, उससे पहले हम यहां से जो हमारी ये लेंथ ली, लेंथ लेने के बाद हम बॉटम देख लेते हैं। बॉटम हमारी कितनी है 15 इंच, बॉटम का हाफ करेंगे, 15 का हाफ करना है हम यहां पे, बॉटम का हाफ करना है, बॉटम का हाफ आया हमारा 7.5 यानी 7.5 इंच, 7.5 इंच हमारी बॉटम आई है, 7.5 इंच बॉटम का हमें हाफ करना है। जब हम 7.5 इंच बॉटम का हाफ यहाँ पे, ये सेंटर है, 7.5 का हाफ इधर लेंगे और हाफ इधर लेंगे, 7.5 हमारा टोटल है इस सेंटर लाइन से, 7.5 का हाफ इधर और हाफ इधर, हमारा आएगा 4.25 इधर लगाना है और 4.25 इधर लगाना है। ये टोटल हमारी हो गई 7.5 इंच बॉटम, ये यहाँ पे निशान लगाना है, ये हमारी सेंटर, ये जो हमारा पोर्शन बचा है ये हमारी शेप करेंगे। जब आपको समझ आएगा कि ये शेप इस तरीके से आई, ये यहाँ पे यहाँ 4.25 और ये 4.25 टोटल हो गया हमारा 7.5 इंच। अब क्या करना है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली, इसको इस बॉटम से हमें मिलाना है। उसको मिलाने के लिए हमें कैसे मिलाना है, उसके लिए हमारे पास यार नी का मेजरमेंट भी है, नी का मेजरमेंट है, नी का नहीं होता तो हम निकालते। नी का मेजरमेंट के लिए ये जो हमारी हिप लाइन है, हिप लाइन से बॉटम तक, हिप लाइन से बॉटम तक जो लेंथ है उसका हाफ करेंगे, उसका हाफ करने के बाद हम नी लाइन लेंगे। यहां से यहां तक जब हम हाफ करेंगे तो ये हमारा ये पॉइंट निकल के आया, बॉटम से और हिप लाइन तक जो रेखा है उसका हाफ किया, ये हाफ करके हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया, नी बटा टू, नी बटा टू हमारा कितना आया 12। नी का जब हमने आधा किया 12 इंच को, ये जो सेंटर है हमारी, यहां से 6 इधर और 6 इधर हम लेंगे, ये सेंटर लाइन है, इससे 6 इधर टोटल हमारा 12 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे इसका सेंटर लिया, यहाँ पे इस प्रकार सेंटर लाइन से 6 इधर लगाया, 6 इधर लगाया, ये निशान लगाया, ये निशान लगा के हम इसकी शेप करेंगे। शेप कैसे करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसकी शेप करते हुए ये जो हमारा नी पॉइंट है, इस नी पॉइंट से हमें नीचे डाउन आना है इस तरीके से, ये हमारा फ्रंट का हुआ। इसकी शेप करने के लिए ये जो हमारा कॉर्नर है, यहां से हिप का 24 मेथड होता है, हिप का 24, हिप को डिवाइड करना है 24 से, डिवाइड करेंगे 24 से तो हमारा 1.5 इंच आएगा। यहां से ऊपर जाना है 1.5 इंच और इसको ऊपर जाना है हिप का 4, हिप का 4 9 इंच, हिप को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आया। हम इस रेखा को यहां से ऊपर की तरफ गए, 9 इंच पे हमने निशान लगाया, ये निशान 1.5 इंच हम यहाँ पे आए। इस निशान को यहाँ पे मिलाते हुए, उठाते हुए यहाँ पे और इसकी इस तरीके से शेप करते हुए, ये जो हम 1.5 इंच ऊपर आए इसको मिलाते हुए इस तरीके से इसकी शेप कर देंगे। ये हमारा फ्रंट भाग हुआ। अब हमारा बैक भाग, बैक भाग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैक, ये फ्रंट का कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम बैक का इसी में शो करेंगे। बैक का शो करने के लिए हिप में ध्यान से देखना,
बैक में, ये हमारा फ्रंट हो गया, बैक में हिप डिवाइड बाय 16, हिप डिवाइड बाय 16, जब 16 से हम 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2.25 इंच यानी सवा दो, 2.25 इंच यानी सवा दो इंच हमारा निकल के आया। ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से आगे जाएंगे हम सवा दो इंच, ध्यान से देखना, ये हम बैक के लिए करते हैं। हिप का 16, जितनी भी हिप है, 36 है, 38 है, 39 है, एक्सवाइजेड कोई भी हिप है, उसको 16 से डिवाइड किया, आपका बैक की जो लूजनेस हिप की है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे हम 2.25 यानी सवा दो इंच आगे आए। आगे आने के बाद ये इससे ऊपर निशान लगाना है, ऊपर निशान लगाने के लिए बैक पार्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बैक में यूज करना है। बैक पार्ट को उठाना है, बैक पार्ट उठाने के लिए हिप डिवाइड बाय 24, हिप डिवाइड बाय 24 हमारा आया 1.5 यानी डेढ़ इंच। इस लाइन से डेढ़ इंच हम ऊपर जाएंगे, डेढ़ इंच हम ऊपर जाएंगे, डेढ़ इंच ऊपर इस लाइन से जाएंगे और जाके हम इसको ये निशान लगा लेंगे। ये लगाने के बाद ये जो हमारी फ्रंट की गोलाई है, इस गोलाई से ये जो हमने सेप की हुई, यहाँ से जो डेढ़ इंच हम ऊपर गए हैं उसको इस तरीके से मिला देंगे। ये जो हमने गोलाई की है फ्रंट की, इससे इसको उठाते हुए डेढ़ इंच हम आगे की तरफ, ऊपर की तरफ उठा देंगे। उठाने के बाद यहां भी हम आगे आए, हिप का 24, या फिर आप अंदाजे से भी जब आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो आप गोलाई बिना किसी फॉर्मेट के भी आप एडजस्ट गोलाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर आना है आपको वही, जैसे हम यहाँ पे आए थे फ्रंट में, हिप का हिप डिवाइड बाय 4 हमारा आया था 9, तो हम 9 इंच पे ही हम आगे जाके निशान लगाएंगे। जहां भी हमारा 9 आएगा हम वहां 9 को इस तरीके से चिन्हित करेंगे और उसको पकड़ते हुए, इस गोलाई को पकड़ते हुए हम इसको यहां से उठाते हुए, और जैसे हमने फ्रंट की गोलाई की है उसी प्रकार हम बैक की भी गोलाई इस प्रकार से कर देंगे। अब ये जो हमने डेढ़ इंच ऊपर उठाया है इसको यहां मिलाएंगे, जो हमारी लेंथ है उस लेंथ से इस प्रकार डेढ़ इंच जो बैक हमने क्रोच एरिया पे उठाया है उसको हम लेंथ लाइन से मिला देंगे। अब नीचे बैक में बॉटम के लिए हम बैक में एक इंच, यहाँ पे एक इंच बढ़ा के लेंगे। ये जो हमारी बॉटम लाइन है यहाँ से हमने एक इंच लिया, जो नी लाइन है वहां से हमने एक इंच लिया, और ये निशान लगाते हुए हम इसकी, जैसे हमने फ्रंट की गोलाई की है उसी प्रकार हम बैक की गोलाई इस प्रकार से, अभी मैं फ्री हैंड कर रही हूं, जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो आप अपने टेलर आर्ट कर्व की मदद से, हम जब ब्राउन पेपर पे पैटर्न बनाने के लिए करेंगे तो हम लेग जिपर का यूज करेंगे, या फिर हम अपने हाथ से भी फ्री हैंड इसकी शेप दे सकते हैं। ये हमने जो शेप दी ये हमने बैक की शेप दी। अब ये जो हमने सेंटर लिया था वो क्यों लिया था, वो ये शेप देने के लिए लिया था कि हम यहाँ पे भी शेप देंगे। जब हमने बॉटम का हाफ किया तो हमारा हाफ यहाँ पे आया इस प्रकार। अगर आप सेप भी नहीं दोगे तो भी आप इस तरीके से पैंट नेट पजामा बना सकते हैं, और सेप देना चाहो तो सेप भी दे सकते हैं। सेप देने के लिए क्या करना है, यहाँ से जो हमारी क्रोच एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसका हाफ हमारा यहाँ पे आया हमारा 6 पे,
हल्की हल्की जो है हमें गोलाई देनी है, ज्यादा नहीं देनी है, और गोलाई देते हुए इस शेप को हम इससे इस तरीके से मिला देंगे। ये देखो मैं यहाँ पे उठाऊंगी इसको, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है क्रोच एरिया का ये 12 पे हमने निशान लगाया था, ये हमारा नी का निशान है, ये हमारी बॉटम है। अब इसको हल्की सी कर्व देते हुए मैं इसको मिलाऊंगी इस तरीके से। अगर आप करना चाहें इस तरीके से हल्की हल्की गोलाई देनी है, ये हल्का सा उभार आता है हमारी हिप पे, और इस तरीके से हम अंदर की तरफ आ जाते हैं। अंदर की तरफ आके ये जो हमारी नी का पॉइंट हमें मिला हुआ है, ये जो हमारी नी का पॉइंट हमें मिला हुआ है, इसको इसकी गोलाई करते हुए इस प्रकार, इसको इस प्रकार मिलाते हुए जो हमारी बॉटम है उसको ऐसे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इस तरीके से हम इसमें सेव कर देंगे। जब कट करोगे आप तो ये कट होगा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कट नहीं होगी, ये वाली जब आप कट करोगे तो ये वाली होगी। ड्राफ्टिंग में आपको ये शो करनी है, ये हमारा जो है पैंट कट पजामे की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसमें मेंशन करेंगे कि हमने कौन सी रेखा कहां पर कितनी ली है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फुल लेंथ ली है, फुल लेंथ हमारी यहाँ पे यहां से यहां तक फुल लेंथ, फुल लेंथ 43 इंच, ये आपने सेंटर किया हुआ है, ये यहां से यहां तक हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 2 इंच 14 इंच, ये यहाँ पे हमने बैक में लिया था हिप डिवाइड बाय 16, हिप डिवाइड बाय 16 यानी 2.25 इंच। आप हिप डिवाइड बाय 16 लिख के ब्रैकेट में 2.25 इंच भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये 1 इंच आगे आए थे, ये बॉटम बटा 2 = 7.5 इंच, ये यहां से यहां तक हमारा है नी का हाफ करना है हमने, नी बटा 2 = 12 इंच, ये हमारा जो क्रोच एरिया है यहां से यहां तक हिप डिवाइड बाय 3 = 12 इंच। ये जो हमारा पॉइंट हमने जो गोलाई की है, आप यहां पे ये भी मेंशन करें, ये यहां से और यहां तक हिप डिवाइड बाय 4 = 9 इंच। जो हम बैक हमने उठाई है, बैक हमने उठाई है हिप डिवाइड बाय 24 डिवाइड किया हमने, 36 को 24 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पे आया 1.5 इंच। हमने बैक को उठाया 1.5 इंच, बैक को उठा के हमने इसको इससे मिला दिया, ये हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, यहाँ पे भी हमने बैक में 1 इंच लिया। ये सब आपने मेंशन करना है, ये हमारा जेंट्स पैंट कट पजामे की ड्राफ्टिंग बन के कम्प्लीट हुई। अब हम इसकी पॉकेट बनाना सीखेंगे। पॉकेट का मेजरमेंट हमारे पास है नहीं, हम निकालेंगे, पॉकेट का मेजरमेंट भी हम हिप के द्वारा निकाल सकते हैं। तो पॉकेट के लिए जो मेजरमेंट या जो मेथड है वो इस प्रकार है, हमारी जो पॉकेट है पॉकेट जेंट्स जो पैंट कट जेंट्स पजामा होता है उसमें हम बना सकते हैं, कोई चाहे तो बना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी, लेकिन उसका फॉर्मेट इस प्रकार है, हमें आना चाहिए। पॉकेट की जो लेंथ निकलेगी
पॉकेट की लेंथ निकालने के लिए हिप डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंच। 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12 आएगा, प्लस किया 1 तो हमारा 13 इंच। ये हमारी पॉकेट की लेंथ है, पॉकेट की लेंथ 13 इंच। पॉकेट की विड्थ, पॉकेट की जो विड्थ निकलेगी वो कैसे निकलेगी, हिप डिवाइड बाय 6। हिप हमारा 36 है, 36 को 6 से डिवाइड किया तो 6। अब यहां पे हम पॉकेट की सबसे पहले लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी 13 इंच है, 13 इंच हमने ये पॉकेट की लेंथ ली है। ये हमारी फोल्ड साइड है, ये 6 निकल के आया हमारा विड्थ। यहां पे हमने 6 पे एक निशान लगाया और ये रेखा खींच दी। इसी प्रकार हमने इस साइड भी लेंथ 13 पे एक रेखा लेनी है और नीचे इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है। ये हमारी पॉकेट की लेंथ और चौड़ाई हमें इस फॉर्मेट के हिसाब से मिली। अब क्या करना है, ये हमारा पॉकेट का ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। इस तरफ 1 इंच अंदर आएंगे, 1 इंच अंदर आना है, इस तरफ 1 इंच अंदर आके ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हिप डिवाइड बाय 12, हिप जितना भी है उसको 12 से डिवाइड करके, हमारा हिप 36 है, हमने 12 से जब डिवाइड किया तो 3 इंच आया। 3 इंच आप यहां पे निशान लगाइए, 3 इंच आप यहां पे निशान लगाइए और इसकी इस प्रकार से आप गोलाई करते हुए अपनी लेंथ से मिला दीजिए। ये जो आप 1 इंच अंदर की तरफ आए थे, इसको जहां आपने गोलाई शुरू की उससे 1 इंच ऊपर या 1.5 इंच अपने डिजाइन के अनुसार इसको बना सकते हैं। इस प्रकार अब जो हमारी पॉकेट तैयार हुई है वो ये जो मैं अभी मार्क कर रही हूं, ये शेप हमारी पॉकेट की तैयार हुई है। पॉकेट की लेंथ है हमारी, पॉकेट जो है हम यहाँ पे 1 इंच डाउन आके अपनी पॉकेट, यहाँ पे पॉकेट का जो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, पॉकेट के ओपनिंग जो होती है हिप डिवाइड बाय 6 लेते हैं हम पॉकेट की ओपनिंग के लिए। यहां से यहाँ पे हम 6 इंच का एक निशान लगाते हैं पॉकेट के लिए और इस तरीके से ये हमारा जो 6 इंच का निशान हमने लगाया और ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया। यहाँ पे हमारी पॉकेट बनेगी जो मैंने अभी आपको पॉकेट बताई है। यहाँ पे आप मेंशन कीजिए पॉकेट की लेंथ, पॉकेट की विड्थ। लेंथ है हमारी पॉकेट की फुल लेंथ 13 इंच, हमने जो चौड़ाई ली थी यहां से यहां तक चौड़ाई हमने ली थी 6 इंच, 1 इंच हम अंदर की तरफ आए, ये जो हमने गोलाई की थी यहां से ये की थी हमने हिप डिवाइड बाय 12, यानी कि 3 इंच हम ऊपर गए थे, 3 इंच ही हम आगे आके हमने ये निशान लगा के इसकी गोलाई की थी। तो ये पूरी तरह हमारा जेंट्स पैंट पजामा विद पॉकेट कंप्लीट हुआ।